आज की क्लास में मैं सिखाने वाली हूँ वी नेक ब्लाउज, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। सेम ब्लाउज की हम पहले कटिंग सीखने वाले हैं एंड उसके बाद स्टिचिंग भी। तो ये क्लास का पार्ट वन है। पार्ट टू के लिए आपको नेक्स्ट वीक नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम अटेंड करना होगा या नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। तो जैसे कि हमारे सारे ब्लाउज में पहले बेसिक बॉडीज बनता है, सेम वैसे ही काटेंगे। तो वी नेक ब्लाउज है, सबसे पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। वी नेक में हम प्रिंसेस कट करने वाले हैं। आर यू ऑल एक्साइटेड? सीम टू तो आ गया है। सॉरी, तो सारी कटिंग की इक्विपमेंट ले लिए है हमने, स्केल से मार्कर एंड ऑल एंड ब्राउन पेपर। सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कौन कौन सा मेजरमेंट हमें चाहिए। मेजरमेंट में यहाँ हमें चाहिए लेंथ मेजरमेंट, लेंथ हमें चाहिए। सो लेंथ आगे की 16 इंच है एंड बैक की 15 इंच। उसके बाद हमें चाहिए अपर चेस्ट मेजरमेंट, अपर चेस्ट 38, चेस्ट 40 इंच। उसके बाद हमें चाहिए अपर वेस्ट। अपर वेस्ट लेंथ क्या होती है? अंडर बस्ट, चेस्ट के अंदर वाला एरिया, जो हम जहाँ हमें योग चाहिए होता है वो लेंथ चाहिए। तो वो लेंथ हम ले लेते हैं 14 इंच। एंड अपर वेस्ट राउंड, यानी कि वेस्ट राउंड चाहिए। तो वेस्ट राउंड, दोनों भी वेस्ट राउंड हमारा अपर वेस्ट और लोअर वेस्ट है, 38 के अकॉर्डिंग 32 ले लेते हैं। उसके बाद हमें चाहिए शोल्डर मेजरमेंट। शोल्डर यहाँ पे 13 इंच है। फ्रंट विड्थ मेजरमेंट यहाँ पे 12 इंच है। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज की कटिंग का मेथड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक लाइन खींच लेनी है ताकि हमें पता चले कि उस लाइन के ऊपर से हमें सारी ड्राफ्टिंग स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पीछे की लेंथ बैक पार्ट ड्राफ्टिंग करने वाले हैं। तो बैक के लिए हमें बैक की लेंथ मार्क करनी है। बैक की लेंथ होती है 15 इंच, यानी बैक की लेंथ फ्रंट से कम होगी, यानी कि 40 चेस्ट में 1 या 1.5 या 2 इंच जितना डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पे मैं लेंथ मेजरमेंट ले रही हूँ 15 इंच, और ये लेंथ मेजरमेंट हमें कहाँ से मापा होता है? जैसे कि ये हमारा बॉडी है, ठीक है, ये हमारा शोल्डर वाला एरिया है एंड ये स्लीव्स का, इस तरह। तो हमें यहाँ से हमें लेंथ मेजरमेंट मापना है, शोल्डर के सेंटर से नहीं मापना, ना ही यहाँ से मापना है। हमें मापना है यहाँ से, टॉप पॉइंट से, शोल्डर के टॉप पॉइंट से हमें लेंथ का मेजरमेंट मापना है हमेशा। आप सबके कमेंट्स आते हैं कि शोल्डर कम करने पर लेंथ कम नहीं हो जाती, तो हमने मापा हुआ यहाँ से होता है। अगर हम डीप नेक बनाएंगे तो हमें यहाँ से पहनना होता है, तो उस हिसाब से लेंथ कम ऑटोमेटिक हो जाएगी और वो आपके बॉडी पे सही बैठेगी। तो चलो अभी तो हमें ज़्यादा डीप नहीं वी नेक वाला बनाना है। बैक लेंथ की मार्किंग कर दी है। उसके बाद 40 चेस्ट के अकॉर्डिंग हम आर्म होल लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल लेंथ 40 चेस्ट में हम लेते हैं 8 इंच, क्लियर? अगर आपको बाकी सब चेस्ट का देखना है तो आप कमेंट देख सकते हैं, कमेंट में मैं बता दूंगी कि किस तरह से ये बाकी चेस्ट का लेना है। वैसे तो ये बॉडी पे डिपेंड करता है, लेकिन ये जो मैंने फॉर्मूला बनाया हुआ है, वो जो मेथड बनाया हुआ है कि 40 चेस्ट में 8 इंच लेना, वो 100 में से 90 लोगों के परफेक्ट फिटिंग बैठेगा। बाकी 10% थोड़ी अब नॉर्मल बॉडी होगी तो अलग बैठेगा। अब हम यहाँ पे, ये हो गई अपर चेस्ट लाइन और ये हो गई वेस्ट लाइन, ये बैक का पार्ट है। तो अपर चेस्ट डिवाइड बाय 4 मार्क करेंगे अपर चेस्ट लाइन पे। तो अपर चेस्ट मेजरमेंट है
38 को 4 से डिवाइड करते ही आ जाएगा 9.5। अब हमें यहाँ मार्क करना है वेस्ट यानी 32। 32 का 4 से डिवाइड करना है प्लस 1 इंच डार्ट का लेना है। तो 34 को 1 इंच, 32 को 4 इंच से डिवाइड, 32 को 4 से डिवाइड करेंगे, 32 का चौथा भाग लेंगे तो कितना आएगा, 8। 8 प्लस 1 डार्ट्स, ये हमारा बैक में पैक रहेगा और फ्रंट में वी नेक रहेगा। फोटो चली गई। तो चलो मैं यहाँ ड्रॉ करके बता देती हूँ कि किस टाइप का ब्लाउज हम बना रहे हैं। वी नेक रहेगा, प्रिंसेस कट रहेगा एंड बैक से पैक। तो यहाँ पे हम शोल्डर का मेजरमेंट लगाएंगे। शोल्डर का मेजरमेंट एक बार हम फुल ही लगा लेते हैं। शोल्डर है 13, सो 6.5 पे मार्क कर लिया जाए। सेम हम 6.5 यहाँ मार्किंग करेंगे। 1 इंचेस हमें शोल्डर डाउन करना है। वन इंच शोल्डर डाउन कंपलसरी रहेगा। यहाँ से हमें चेस्ट का डिवाइड बाय 12 मार्क करना है, जो कि आएगा 3.25 समथिंग, 3.25 समथिंग। उसके बाद हमें इसका सेंटर मार्क करना है। सेंटर मार्क करने के बाद हमें इस दोनों पॉइंट को मिला लेना है बैग आर्मोल बनाने के लिए। तो रैंडमली हमें इस तरह आर्मोल का शेप दे देंगे। और ये जो ड्राफ्टिंग है वो बिना मार्जिन है, मार्जिन आपको फैब्रिक में ऐड करना है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग तो हो चुकी है कंप्लीट। यहाँ से हम इसका सेंटर लेके मार्क कर लेते हैं डार्ट्स। वन इंच का डार्ट रहेगा, लेंथ 4.5 रहेगी। चलो भाई बैक की कटिंग ओवर, अभी फ्रंट की कटिंग की जाए। फ्रंट की कटिंग में इस तरह उल्टे साइड मार्क कर रही हूँ, यहाँ पे सीधी लाइन लगा ली जाए। यहाँ से फ्रंट की लेंथ मार्क कर लेंगे। आगे की लेंथ मुझे कितनी चाहिए, 16 इंच, 16 इंच मुझे आगे की लंबाई चाहिए। सो ए टू बी 16 इंच। अभी उसके बाद आर्म होल लेंथ सेम 8 इंच मार्क करेंगे। अब इसके अंदर हमें अंडर बस्ट भी मार्क करना है, यानी चेस्ट के अंदर वाला एरिया, जिसकी मेजरमेंट है 14 इंच। यानी कि यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ये बॉडी है आपकी मान लो, तो यहाँ से ये साइड बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ से आपका शोल्डर से यहाँ तक का एरिया अंडर बस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका योक लगता है। वैसे तो ये योक वाला ब्लाउज नहीं है,
लेकिन फिर भी हमें यहाँ से फिटिंग प्रॉपर चाहिए होती है और यहाँ से भी प्रॉपर चाहिए होती है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक सीधा डार्ट लगा लेंगे तो ये पार्ट लूज हो जाएगा हमारा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अंडर बस्ट वाला मेजरमेंट राउंड और लेंथ दोनों भी आप हमेशा ले लो। तो 14 पे मार्क हो चुका है, 2 इंच का यहाँ बेल्ट का हिस्सा आ गया। यहाँ से सीधी लाइन, यहाँ से भी सीधी लाइन, यहाँ से भी सीधी लाइन। ये है शोल्डर, ये है अपर चेस्ट, ये है अपर वेस्ट, ये है अपर वेस्ट, ये है ब्लाउज लेंथ। तो यहाँ हम मार्क करेंगे अपर चेस्ट वाली लाइन पे, हम मार्क करेंगे चेस्ट का हाफ। बैक और फ्रंट दोनों भी मिला के आपका चेस्ट का हाफ होना चाहिए। तो देखो चेस्ट का हाफ कितना होगा, 20 इंच। तो मैं 20 को यहाँ रखूंगी और उसके बाद बैक के पार्ट को इस तरह रखना है और 20 पे मैच करना है इस तरह 1 पे। इस तरह आगे और पीछे दोनों का मिला के 20 होना चाहिए और यहाँ मैं मार्क कर दूंगी। यानी पीछे का पार्ट हमारा मार्किंग हुआ है 9.5 से, बट फ्रंट का पार्ट हुआ है 10.5 से। अब आप सोच रहे होंगे ये 1 इंच एक्स्ट्रा हो गया अपर चेस्ट से, तो वो 1 इंच हम आर्म होल डार्ट में लगा देंगे। तो चलो ये सेम जो मार्किंग है यहाँ 10.5 वाली, यहाँ ये मार्क कर देंगे सेम। पोर्ट्रेट ऑन शायद, तो ब्लर की दिख रहा है, दिखाओ। नेटवर्क की वजह से हो रहा है शायद, बहुत ब्लर दिख रहा है। तो क्वालिटी 144 की होंगे, अभी सही दिखे। तो हमारी ये मार्किंग हो गई साइड वाली मार्किंग। अब शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर का हाफ 6.5, 1 इंच शोल्डर डाउन रहेगा। यहाँ से मार्किंग रहेगी 2.75 की और इस तरह से हम मार्क कर देंगे। अब यहाँ पे हमें इसका सेंटर लेना है। उसके बाद हमें फ्रंट विड्थ का मार्क करना है। फ्रंट विड्थ आपको मेजर करनी है शोल्डर से नीचे वाले पार्ट में, यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक रहता है फ्रंट विड्थ मेजरमेंट, शोल्डर से नीचे। तो ये आ रहा है 12, तो 12 पे मार्किंग कर लेते हैं। आप देखिए अब हमें यहाँ पे वी नेक बनाना है। तो वी नेक में हम ज़्यादा शोल्डर कम नहीं करेंगे, यहाँ ओनली ऑन 1/2 इंच शोल्डर कम करके इस तरह मार्क लगा लेंगे। फ्रंट विड्थ से हल्का सा अंदर करना है क्योंकि ये डीप नेक है, और फिर इस तरह से आर्म होल को मार्किंग कर लेना है। यहाँ से आपको हल्का हल्का अंदर जाते हुए इस तरह स्मूथ शेप ले लेना है। ये हो गया फ्रंट आर्म होल। अभी वी नेक की मार्किंग कर लेते हैं। वी नेक के लिए यही पॉइंट लेंगे और यहाँ से हमें कितना चाहिए, 9 इंच जितना मैं डीप मार्क कर रही हूँ। अब अगर आपको ब्रॉड शोल्डर चाहिए तो आप हल्का सा यहाँ से 1/2 इंच अंदर जा सकते हो, लेकिन ना जाओ तो ही परफेक्ट अच्छा रहेगा। इस तरह ये भी हो गया। तो ये हो गया हमारा आर्म होल, जो कि 6.5 की जगह हमने 6 इंच शोल्डर लिया है। अभी
डार्ट्स बना लेते हैं। डार्ट्स के लिए हमें चाहिए चेस्ट लेंथ मेजरमेंट। 40 में हमारा चेस्ट लेंथ 11 इंच जितना रहता है ऑलमोस्ट। और यहाँ से आपको मार्क करना है 40 साइज के लिए 4 इंच। सेम 4 इंच हम यहाँ मार्क करेंगे। ये चीज आप माप भी सकते हो। उसके बाद जो हमने मापा है उसका 8 आएगा, तो 8 का आधा 4 इंच मार्क किया। फिर यहाँ से स्ट्रेट मार्किंग कर देंगे एंड सेकेंड मार्किंग रहेगी यहाँ से सेंटर फ्रंट डार्ट की। फोर्थ मार्किंग रहेगी, थर्ड मार्किंग रहेगी आर्म होल डार्ट की, जो कि आप यहाँ से 5 इंच जितना अंदर मार्क कर सकते हैं 40 साइज में। जितनी जितनी साइज कम होगी उतना कम ले सकते हो, जितनी साइज बड़ी होगी उतना ज़्यादा लेना है। हल्का सा इस तरह से साइड डार्ट के लिए आपको यहाँ से मार्किंग करनी है 1.5। बट यहाँ हम प्रिंसेस कट ही कर रहे हैं तो चलो प्रिंसेस कट के अकॉर्डिंग मार्क करते हैं। यहाँ से हमारा वेस्ट का मेजरमेंट रहेगा। वेस्ट मेजरमेंट कितना चाहिए हमें? पहले हम साइड डार्ट का मार्किंग करेंगे। साइड डार्ट कितनी कितनी आएगी? बैक और फ्रंट से जितना एक्स्ट्रा है। लेंथ बैक और फ्रंट में जितना डिफरेंस है उतना हम साइड डार्ट में डाल देंगे। यानी 1 इंच डिफरेंस है तो मैं 1 इंच साइड डार्ट में डाल दूंगी। एंड आर्म होल डार्ट हमारा बैक और फ्रंट, बैक फ्रंट से जितना कम है उतना हम आर्म होल डार्ट में डाल देंगे। 1 इंच जितना कम है तो ये अपर चेस्ट की मेजरमेंट का हो जाएगा। अब पहले कट कर लेते हैं फिर वेस्ट डार्ट की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हम इस तरह आर्म होल डार्ट को बंद करेंगे और शेप दे देंगे। अब हमें चेस्ट चेस्ट एंड वेस्ट का डिफरेंस के अकॉर्डिंग हमें वेस्ट डार्ट मार्किंग करनी है। तो वेस्ट है 32, अपर वेस्ट भी 32 है एंड लोअर वेस्ट भी 32 है। सो 32 का 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। एंड बाकी जितना बच रहा है वो हम डार्ट में डालते हैं, लेकिन पहले हम इस तरह से कट करेंगे। तो बाकी अभी कितना बच रहा है? 1.75 इंच जितना। तो 1.75 इंच में से हम हाफ हाफ दोनों तरफ कर देंगे। सेम हमारा नीचे भी बचेगा। स्ट्रेट रहेगा डार्ट अभी यहां से इस तरह। इस तरह हमें शेप लेना है कर्व में, क्योंकि हमारा बॉडी का शेप भी कर्व होता है। जैसे कि इस तरह मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ साइड बॉडी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से कर्व है, उसके बाद यहाँ सीधा जा रहा है। तो चलो प्रिंसेस कट रेडी। अभी ये जो स्ट्रेट हमने मार्क किया है उसको हमें कर्व में मार्क करना है, गोलाई में। तो यहाँ से हम इस तरह गोलाई ले लेंगे।
अब मैं प्रिंसेस कट काट रही हूँ। फोर्टी साइज में आप डार्ट स्टिच कर सकते हो। अभी आपको ये इस तरह से रॉन्ग शेप लग रहा होगा, लेकिन स्टिच करने के बाद में ये परफेक्ट लगेगा। सेंटर फ्रंट डार्ट की विड्थ हमेशा हाफ इंच रहेगी, टोटल हाफ इंच। आप सेंटर फ्रंट डार्ट को क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि आगे हुक रहेगा। अगर आगे बंद रखना है तो क्लोज नहीं करना। इस तरह मैं इसको क्लोज कर दूंगी, बंद कर दूंगी, एंड साइड डार्ट को भी बंद कर देंगे। आप डायरेक्ट कपड़े पे काट रहे हैं तो बिल्कुल भी ये बंद नहीं हो सकता, सिर्फ सिलने का ही ऑप्शन रहेगा। तो चलो इसको कपड़े पे कटिंग कर लेते हैं। अस्तर दे दो। हाँ, लीव डायरेक्ट फैब्रिक। बैक नेक की मार्किंग कर लेते हैं। बैक नेक के लिए आपको यहाँ से इस तरह रखना है दोनों पार्ट्स को। दोनों का शोल्डर मिलाते हुए हमें इस तरह नेक मार्क कर लेना है। यहाँ से आपका 3 to 4 इंच होगा तो चलेगा। एंड शोल्डर इसमें ब्रॉड ही चाहिए। चलो अभी मार्जिन रख लेते हैं। अब आप देख सकते हो कि फ्रंट बैक से बड़ा है। लेंथ में भी एंड विड्थ में भी, क्योंकि आगे चेस्ट होती है तो हमें विड्थ में भी ज़्यादा चाहिए और लेंथ में भी ज़्यादा चाहिए। तो अभी मैं डबल अस्तर डालूंगी इसमें, क्योंकि हम लाइक्रा फ्यूजिंग यूज़ नहीं करेंगे। एंड पैड लगाना है, कप्स लगाना है। कप्स वाले ब्लाउज और बिना कप्स वाले ब्लाउज दोनों की कटिंग भी सेम होती है। तो यहाँ से हमने इस तरह फोल्ड कर लिया है। ये फोल्डिंग साइड है और इस तरफ मेरे साइड वाला खुला साइड है। तो यहाँ बैक पार्ट रखूंगी। एंड यहाँ हमें फ्रंट पार्ट रखना है। इस तरह हमें पेपर प्लेसमेंट करनी है। ये बंद रखा हुआ है हमने सेंटर फ्रंट डार्ट, और ये भी बंद रखा हुआ है आल्फिन लेयर। अब हमें मार्जिन रखना है। बैक को बिल्कुल कट टू कट रखना है। मैक में हम मार्जिन नहीं लेंगे, हाफ इंच हमें साइड मार्जिन लेना है। यहाँ से हमें शोल्डर का मार्जिन लेना है। टू इंच हमें साइड मार्जिन लेना है। यहाँ से मैंने हल्का सा ज्यादा ही रख दिया है, क्योंकि शोल्डर बैक का बड़ा ही चाहिए। 2 इंच यहाँ आपका। अगर बैक का शोल्डर ज्यादा है और आगे का कम, तो आप बैक का शोल्डर बढ़ा सकते हैं और फिर यहाँ से कट कर सकते हैं नेक में से। स्केल गौर
इसमें भी मार्जिन ले लेंगे। नेक में मार्जिन नहीं लेंगे, हुक आई में मार्जिन ले लेंगे आधा इंच, आधा इंच से नीचे। इस तरह माप माप के भी ले सकते हैं। चलो तो कट कर लेते हैं, पहले फ्रंट ही काट लेते हैं। ठीक है, वो कहाँ गए? सेम इसी तरह हम मेन फैब्रिक भी काट लेंगे और अभी स्लीव्स की कटिंग देख लेते हैं। स्लीव्स के लिए हमें ये दोनों पार्ट को इस तरह रखना है। ब्राउन पेपर टू ब्राउन पेपर मैच करते हुए एंड कट टू कट माप लेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा। बिना मार्जिन मापेंगे ये भी, तो ब्राउन पेपर से ही मापेंगे। अठारह इंच, 19 इंच आ रहा है यहाँ, नहीं 18, 18 इंच आ रहा है। अभी हम स्लीव्स की मार्किंग कर लेंगे, स्लीव्स की डायरेक्ट कपड़े पे ही करूँगी।
देखो ये इस तरह फोर फोल्डिंग ही फैब्रिक है, या फोल्ड वाले साइड स्लीव्स की मार्किंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एल्बो लेंथ स्लीव लूंगी, एल्बो लेंथ के अकॉर्डिंग 12.5 मार्जिन के साथ मार्क कर रही। उसके बाद हम स्लीव्स की कैप हाइट मार्क करेंगे। तो स्लीव्स की कैप हाइट क्या होती है? कैप हाइट हमने जो ये ब्लाउज बनाते वक्त, पेपर कटिंग बनाते वक्त, ये यहाँ से यहाँ तक जो लिया था उसका आधा ले लेंगे तो हमारी कैप हाइट निकल आएगी। तो अभी 40 के साइज में ये 4 इंच आ रहा है, या आप ऐसा भी कह सकते कि चेस्ट का 10वां भाग, तो भी आपका सही निकल आएगा। यहाँ से एक सीधी लाइन, उसके बाद हमें मार्क करना है यहाँ से हमारा जो कितना आया था, 18 इंच आया था ना, 18 इंचेस आया था आर्म होल। सो 18 का हाफ 9 इंच हम मार्क करेंगे। देखो स्लीव्स लगने के बाद ऐसी दिखेगी, एंड ड्रॉ करते वक्त ऐसी दिखती है। तो अभी हम हाफ पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने लेंथ मार्क की, उसके बाद ये कैप हाइट मार्क की। तो यहाँ से 9 का हाफ करेंगे, अभी 2 इंच यहाँ मार्जिन का भी साथ में ले लेंगे। यहाँ से 2 इंच सीधा लेना है, फिर यहाँ से हाफ इंच। अब यहाँ से स्ट्रेट आते हुए हमें इस तरह बैक का आर्मोल ड्रॉ करना है, दूसरे कलर का चौन। फिर हम स्लीव्स का आर्मोल ड्रॉ करेंगे, फिर फ्रंट का आर्मोल कर लेते हैं। तो नीचे का आएगा 12 इंच, सो 12 का हाफ 6 प्लस 2, 6.5 के अकॉर्डिंग कर ले। फ्रंट आर्मोल नीचे से कट करने, अब इसको खोल देंगे। खोलने के बाद हम फ्रंट का आर्मोल काट देंगे। स्लीव्स की कटिंग भी डन और फ्रंट की भी डन, फ्रंट का दोनों एक बार। वी नेक में खोल के दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये दिखेगा। कटिंग के बाद ये इस तरह से दिख रहे हैं। देखो अभी ये इस तरह का शेप है ना, वो स्टिचिंग के बाद हमारा स्ट्रेट हो जाएगा। वो मैं दिखा देती हूँ कि इस तरह से वो स्ट्रेट होगा। वैसे तो स्टिचिंग का नेक्स्ट क्लास में मैं बताने वाली हूँ। देखो इस तरह, जी जब यहाँ से ऊपर उठेगा चेस्ट के शेप के अकॉर्डिंग, तो वो अपने आप सीधा हो जाएगा। देखो, और जबकि हम सीधा काटते और फिर हम अगर वो डार्ट वाला ओपन करके रखते तो भी सेम इफेक्ट आता।
यानी पहले डार्ट स्टिच होता, फिर हमारा ऐसा शेप आ जाता, फिर इस तरह चेस्ट पे उठ जाता, तो ये सीधा आएगा। और हमारा शोल्डर भी पूरा पूरा आ जाएगा, कप्स में देखो, कप्स रख के बताती हूँ कि शोल्डर कितना इंच आ जाएगा। शोल्डर हमें 13 चाहिए, तो करीब 13 आ रहा है एकदम एग्जैक्ट मार्जिन छोड़ के। तो कैसी लगी आज की कटिंग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं एंड इस तरह की कटिंग देखना मिस नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा अभी चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम के लिए कौन कौन एक्साइटेड है इसकी स्टिचिंग के लिए? हाँ अगर आपको ब्लाउज के बारे में और भी डिटेल से जानना है तो हमारा ब्लाउज मास्टर कोर्स लेवल 1 आ रहा है, जो 14th मार्च 2024 यानी इसी मंथ के मिडल ऑफ मंथ से स्टार्ट हो रहा है, तो वो आप ज़रूर से चेकआउट कर सकते हो, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर से चेक कीजिए। एंड बाकी हमारी वेबसाइट की लिंक एंड ऐप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तानिया श्री ने कहा है कि मैम आप कभी 34 एंड 36 चेस्ट का भी बताइएगा, बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है 34 36 का भी। जर्सी पार्थ है टोल आस्क्ड मैम व्हाट शुड बी डू इफ यू वांट द शोल्डर स्लोप टू बी 1.5 और 2 इंचेस। देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंट मेथड, ओनली वी हैव टू चेंज द शोल्डर। यस मिलेगा आपको वीडियो में। मुझे पूछना था कि मोटे कपड़े पर सुई क्यों टूट जाती है। मेरी मशीन Z54 है, क्योंकि ज़्यादा मोटा हो गया है उसमें। निडल का फर्क है चित्रा जी, आप निडल के बारे में पूछ रहे हैं, उसमें निडल का डिफरेंस है। आपको 18 नंबर की निडल चला के देख सकते हैं। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। होपिंग दैट आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने पूरा ज़्यादा वीडियो देखा होगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखा होगा और एक भी पॉइंट मिस नहीं किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टिचिंग्स, जो 1-2 दिन बाद स्ट्रीमिंग आएगी, जिसकी नोटिफिकेशन आप सबको यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।